Hello, dear viewers. Welcome back to GB Educator. This is your educator, Gami Bobo. And so, in our previous video, we have talked about menstrual cycle, है ना? तो हम आज पढ़ेंगे fertilization, implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. ऐसे टॉपिक है, तीन चार टॉपिक है, इसको ऐसे नहीं देखिएगा, छोटा छोटा सा टॉपिक है. We'll try to cover all this topic in this one go video, ठीक है? सबसे पहले विल ट्राई टू यू नो डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो देखिए व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू सच काइंड ऑफ यू नो नोट्स. ठीक है, ये सब आपका एकदम एनसीईआरटी से लिया गया. ठीक है, तो आप इसको सुंदर से पॉइंट वाइज एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू लाइक यू नो प्रेजेंट यू इन अ पॉइंट वाइज ना, तो आपके लिए नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगा. ठीक है, तो हर चीज जो है सीक्वेंस में है, सिस्टमेटिक वे है, आप इसको मतलब 100% आप इसको भरोसा कर सकते हैं, ये जो नोट्स है. ठीक है, 101% यू कैन रिलाई ऑन दिस नोट्स फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, ये लिख के रख लीजिएगा. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आपका जो ड्यूरिंग कोइटस यानी जब हम लोगों का कॉप्यूलेशन होता है, आपका जो सिमेन है इट इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, और यही जो प्रोसेस होता है द रिलीज ऑफ यू नो सेमेन बाय द वेजाइना इनटू बाय द पेनिस ना, द रिलीज ऑफ सेमेन बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसेमिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मोटाइल जो स्पर्म होता है इट स्विम रैपिडली. ठीक है, रैपिडली जब आपका सेमेन जो है रिलीज होता है तो उसका जो स्पर्म जो मोटाइल वाला जो स्पर्म है वो रैपिडली स्विम करते हैं. उसके पास टेल था ना, आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसके पास टेल था, तो रैपिडली स्विम करके वो जो सर्विक्स के थ्रू जाता है, वेजाइना का अगर आपको स्ट्रक्चर भी याद है, सर्विक्स के बाद में फिर यूटेरस, ठीक है, ये सब करके फिर वेजाइना, ठीक है, एंड देन फैलोपियन ट्यूब, ऐसे दो दो ओवेरी भी था. ठीक है, तो थ्रू सर्विक्स वो पास करता है एंड देन फाइनली वो यूटेरस में एंटर कर जाता है. उसके बाद यूटेरस में जाने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, एम्प्यूलरी रीजन, और ये जो एम्प्यूलरी रीजन कहाँ पे है, फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद करना. तो सबसे पहले जो मोटाइल जो स्पर्म है वो सर्विक्स के थ्रू जाएगा, सर्विक्स के थ्रू जाने के बाद वो यूटेरस में एंटर कर जाएगा, यूटेरस में एंटर करने के बाद वो फाइनली कहाँ रीच करेगा, एम्प्यूलरी रीजन, और ये रीजन कहाँ पे है आपका, फेलोपियन ट्यूब में है. एंड द रिलीज और एंड जो रिलीज जो ओवम है बाय द ओवेरी, ठीक है, इट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछेगा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा रीजन में टेक प्लेस होता है. ठीक है, तो वो आपका एम्प्यूलरी रीजन में टेक प्लेस होता है, जो स्पर्म है वो भी आएगा एंड देन जो ओवम है वो भी आएगा ओवेरी से, उसके बाद दोनों कहाँ पे मिलेगा, एम्प्यूलरी रीजन में मिलेगा, तब जाके आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन. दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. बोलते हैं ना कोई कोई औरत लोग मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, दे आर नॉट एबल टू कंसीव. ठीक है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज जो है मतलब करना होता है, मतलब जैसे स्पर्म आ रहे हैं आपका ओवम भी आना पड़ेगा वही टाइम में, मतलब साथ साथ चलना पड़ेगा आपको एक साथ में. ठीक है, ऐसे नहीं है कि ओवम पहले पहुंच रहे हैं और स्पर्म बाद में आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, या फिर स्पर्म पहले पहुंच के उधर ओवम को वेट कर रहे हैं, ठीक है, ओवम रिलीज का वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, जैसे स्पर्म आ रहे ओवम को भी वही समय पे आना पड़ेगा. ठीक है, तो तब जाके आपका मतलब प्रेगनेंसी होता है, अदरवाइज पहले ओवम आ गया पहले स्पर्म आ गया वो ऐसे होने से आपको प्रेगनेंसी मतलब नहीं हो पाता है ऐसे. ठीक है, तो अभी से आप मतलब समझ लीजिएगा कि एक औरत जो है मतलब क्यों कंसीव नहीं कर पाते. ठीक है, दिस कुड बी द वन ऑफ द रीजन, है ना, वो अलग है कि मतलब कुछ एक्सीडेंटल वजह से ना ये सब हो गया, लेकिन जो मेन जो कोर्स होता है, ठीक है, तो बुक में तो फिलहाल के लिए आपका इतना ही दिया है. ठीक है, तो अभी देखिए जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल, और ये जो फर्टिलाइजेशन है प्रोसेस है, यहाँ पे जो आपका स्पर्म है इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द
zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize the ovum. ठीक है, millions of sperm release होते हैं, ठीक है, millions of sperm release होते हैं, मतलब from the semen ना, तो वहाँ पे भी, वहाँ से भी आपका सिर्फ एक ही sperm आपका one ovum को fertilize करने में कामयाबी होते हैं, ठीक है, तो जो zona pellucida जो है ovum का जो layer होता है, जो sperm होता है, वो उसको भी पार कर जाते हैं, ठीक है, जो sperm होता है, वो जो ovum का जो zona pellucida है, उसको भी पार कर जाता है, and then induces a membrane. And then मतलब जो membrane होता है उसको मतलब block कर देते हैं, ठीक है, so that no other additional sperms can enter into the ovum, ठीक है, तो इसीलिए आपको पूछ सकते हैं exam में just one word answer में ना, मतलब कैसे आप बता सकते हैं कि only one sperm can fertilize the ovum, ठीक है, तो आपको ये जो paragraph है छोटा सा, आप इसको two line में mention कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका sperm है वो zona pellucida लेयर को मतलब कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वो जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसमें चेंजेस लाता है, वो क्या चेंजेस लाता है, वो जो मेम्ब्रेन होता है वो जो उसको ब्लॉक करके रख देता है, ठीक है, सो दैट दूसरा जो एडिशनल स्पर्म है वो नहीं आ सकेगा. तो इतना है. और जो एक्रोसोम आपको याद होगा, द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द ज़ोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, आपको एक्रोसोम स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा, हेड पोर्शन में था, हेड टिप में ना, तो ये जो एक्रोसोम का जो सिक्रेशन होता है वो जो स्पर्म का मतलब स्पर्म को हेल्प करते हैं टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द ज़ोना पेलिसिडा, जो कि एक ओवम का लेयर होता है ना, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम. ठीक है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स. ठीक है, एंड देन जो सेकेंडरी ओसाइट्स जो होता है मियोटिक डिवीजन, ये भी एक अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम. ठीक है, अभी सेकेंडरी ओसाइट्स को भी क्यों अनइक्वल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि वो जो है आपका एक सेकेंड पोलर बॉडी देता है एंड देन अनदर वो क्या देता है, हैप्लॉइड ओवम देता है, जिसको हम लोग ओटीड बोलते हैं. ठीक है, सून जो आपका मतलब बहुत जल्दी, फिर बाद में आपका जो हैप्लोइड न्यूक्लियस था जो स्पर्म का ना, एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लोइड जायगोट. ठीक है, ऑब्वियसली जो स्पर्म होता है उसके पास हैप्लोइड न्यूक्लियस होते हैं, फिर जो ओवम होता है, ठीक है, तो वो दोनों जो है बाद में फ्यूज कर जाके क्या बनता है, डिप्लोइड. डिप्लोइड मीन्स व्हाट, डिप्लोइड मीन्स 2n ना, द्वेन बन जाते हैं. एंड जो आपका सेक्स ऑफ द बेबी होता है हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. ठीक है, तो हम लोग को बोलते हैं ना मतलब सेक्स ऑफ द बेबी, क्या वो फीमेल होगा या मेल होगा, तो यही स्टेज में आपका जो बेबी का जो सेक्स होता है वो जो यहाँ पे ही डिसाइड हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखिए, ये स्पर्म आ रहे हैं, ये हेड है, ये टेल है ना, एंड दिस इज ज़ोना पेलियोसिटा, ओवम का लेयर है. ठीक है, एंड दिस इज द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. ठीक है, एंड देन ये तो ये ओवम है, तो आपका जो स्पर्म है वो एकदम इसको मतलब ज़ोना पेलियोसिटा को कांटेक्ट करके, पेनिट्रेट करके ओवम में जाके फर्टिलाइज कर जाएगा. ठीक है, फिर बाद में इन लोगों सबको मेम्ब्रेन को ब्लॉकेज कर देगा, सो दैट दूसरा आपका स्पर्म नहीं आ सकेगा. ठीक है, एंड इट विल प्रूव दैट कि ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज अ ओवम. ठीक है, अभी देखिए सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक, मतलब देखिए क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल, वो हम सबको पता है, हम ह्यूमन फीमेल में जो क्रोमोसोम का जो पैटर्न होता है वो दो एक्स होता है ना, एंड मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, एक एक्स है ना, एंड देन वन वाई. देयरफॉर ऑल जितना भी हैप्लॉइड गैमेट्स है यानी ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेम सेक्स, है ना, वही है ना, फीमेल जितना भी मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स है ना, दो एक्स है ना, लेकिन जो मेल गैमेट्स होता है वो दो लाइक हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, इधर एक्स या फिर वाई, इसीलिए उसमें क्या होता है, 50% ऑफ स्पर्म्स दे कैरी
X chromosomes while the other 50% they carry the Y chromosomes. Okay? And after the fusion of male and female gametes, जो आपका zygote होता है, it would carry either XY or XX. ठीक है? Depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby. लेकिन जो zygote XY carry करता है क्रोमोसोम, इट वुड बिकम ए मेल. जैसे कि सपोज देखिए, ये आपका दिस इज योर मेल. ठीक है, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है. ठीक है, दिस इज योर फीमेल. तो ये आपका देखिए, इसमें से चार बच्चा होगा. चार बच्चा ये दोनों को क्रॉस करने से क्या आते हैं? ये आते हैं, फिर ये है ना. तो दो बच्चा, तो अगर इसमें से चार बच्चा, ये देखिए एक्स वाई, ये एक्स वाई, समझ आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना. तो ये जो फादर है, अगर उसके पास एक्स वाई है और जो मदर है उसके पास एक्स एक्स है, तो उसके पास अगर चार बच्चा होगा, है ना, अगर उसके पास चार बच्चा होगा तो दो, जो दो बच्चा है वो फीमेल होगा और जो बाकी जो दो बच्चा है वो क्या होगा? मेल होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब वही है, अगर एक्स वाई होगा तो वो फीमेल, वो मेल होगा, और अगर एक्स एक्स होगा तो आपका क्या होगा? फीमेल होगा. देन एंड यहाँ पे जायगोट जैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तब क्या होता है, आपका माइटोटिक डिविजन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वही बोल रहे, द माइटोटिक डिविजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटेरस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसको हम लोग ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो उसके बाद में वही है, मतलब जैसे आपका जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो माइटोटिक डिविजन पूरा चल रहा होता है, उसके बाद थोड़ा क्लीवेज प्रोसेस वगैरह भी चल रहा होता है, उसके बाद में वो जो कुछ डॉटर सेल्स बनाते हैं. ठीक है, डिवीजन के बाद इन डॉटर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ 2, 4, 8, 16. ठीक है, और इन लोग को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं. और जो एम्ब्रियो होता है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स को क्या बोलते हैं? मॉड्यूला. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टीजीटी ये सब में भी एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ देते हैं, मॉड्यूला का जो ब्लास्टोमेयर्स होता है, मतलब डॉटर सेल्स होता है, वो कितना से कितना बीच में आता है. ठीक है, तो आपको 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स को हम लोग मॉड्यूला बोलते हैं. एंड जो मॉड्यूला होता है, इट फर्दर कंटिन्यूस टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट्स. ठीक है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस. ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? मतलब जो मॉड्यूला है, ठीक है, जो 18 टू 16 ब्लास्टोमेयर्स है, वो फर्दर भी बाद में डिवाइड होकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट कुछ नहीं है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, मेड बाय द फर्टिलाइज्ड एग्स. ठीक है, आप सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इट्स द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, एंड देन जो आपका ब्लास्टोमेयर्स होता है, द ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड एन इनर लेयर cells attached to tropoblast called the inner cell mass. ठीक है, तो जो ब्लास्टोमेयर्स होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अभी रह रहा है, ठीक है, they are arranged into an outer layer जिसका नाम है आपका tropoblast, and inner group का नाम है उसका inner cell mass. ठीक है, और यही जो tropoblast है, यही जो outer cell layer, outer layer है, gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. ठीक है, important है, जो आप एक हो गया tropoplast जो कि outer layer, और एक हो गया inner cell mass जो कि inner mass, inner cell mass. ठीक है, और यही जो tropoplast है वो बाद में endometrium के साथ attach कर देता है, और जो inner cell mass है वो बाद में embryo में differentiate कर जाता है. Finally आपका जो blastocyst है, it becomes embedded in the endometrium of the uterus. इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहलाता है, और जैसे इम्प्लांटेशन हो गया आपका प्रेगनेंसी हो गया. ठीक है, देन इम्प्लांटेशन क्या है, समझ आ गया? जब आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है फाइनली एंडोमेट्रियम में मतलब एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और जैसे आपका इम्प्लांटेशन हो गया आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया. देखिए,
दिस इज योर फिगर, ये ओवम है, दिस इज योर ओवम, और यहाँ पे स्पर्म आ रहे हैं जो ना पहली सुविधा को पार कर जाके अभी फर्टिलाइज कर जा रहे हैं, फिर बाद में सेल डिवाइड कर जाएगा, माइटोटिक डिवीजन आएगा, है ना, उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएगा। देखिए ये मोरियोला है, मोरियोला में क्या होता है, डॉटर सेल्स आपका कितना होता है, 8 to 16, ठीक है, मोरियोला, ठीक है। तो ये देखो ई, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर इधर से ओवेरी से ओवम रिलीज हुआ ना, तो एम्प्यूला पोर्शन में ये हो गया, देखो एम्प्यूलर रीजन, फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूलर रीजन, जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ देगा, ठीक है, कौन सा रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, सेल डिवाइड हो गया, यहाँ पे आपका डॉटर सेल बन गया, देखो मोरियोला यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जो है बाद में किसके साथ अटैच रह जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ, ये देखिए ये यूटेरस हो गया, तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग उसके साथ अटैच रह जाता है, और यही जो प्रोसेस है उसको इम्प्लांटेशन कहलाते हैं, देन ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट यानी इसमें आपका जो अंदर में जो ब्लास्टोमेर होता है वो अंदर का वाला को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और बाहर का वाला को क्या बोलता था, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज लाइक या मैं आपको पूरा फिगर स्टेप वाइज दे रखे सीक्वेंस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पासेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब। एक बार डायग्राम देखिएगा, फिर समझने का कोशिश कीजिएगा लास्ट स्लाइड को, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड को, तब आपको पकड़ में आएगा, ठीक है। तो वो तो हो गया हम लोगों का फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन आपका एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर करता है ट्रोपोब्लास्ट में, जिसको हम लोग कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोरियोनिक विलाई होता है, दिस आर सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। और ये जो कोरियोनिक जो विलाई है एंड जो यूटेरिन टिश्यू है, वो बाद में इंटर डिजिटेटेड होते हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसको हम लोग प्लासेंटा कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना आपका वो इंटर डिजिटेटेड का मतलब होता है लाइक वो मतलब लॉक करके रह जाना, मतलब इंटर इंट्रीग्यूड क्या बोलते हैं उसको, मतलब वही है, मतलब समझ जाए लॉक होके रह जाता है, ठीक है, दोनों कनेक्ट होके रह जाता है, कौन आपका कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू जो है बाद में एक दूसरा के साथ लॉक होके रह जाते हैं, ठीक है, एंड जॉइंटली मतलब दोनों मिलके बाद में क्या बनता है, वो प्लासेंटा बन जाता है, ठीक है। और ये जो प्लासेंटा क्या है, वो जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है और जो मैटरनल बॉडी है, ठीक है, मदर का जो बॉडी है उसको क्या कराता है, ज्वाइन कराता है ना। और यही जो प्लासेंटा का थ्रू आपको देखो यहाँ पे आपको पूछ देगा वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन प्लासेंटा या फिर व्हाट इज प्लासेंटा, तब आप ये जो लाइंस है, ठीक है, इसको सुंदर से आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्लासेंटा के बारे में आपको पूछने से। तो जो प्लासेंटा है, सबसे पहले तो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, देन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गया। उसके बाद जो प्लासेंटा का जो काम होता है आप उसको बता दीजिए, इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हो गया आपका functions of placenta में, ठीक है। And then जो placenta होता है, it is connected to the embryo through an umbilical cord. और यही जो umbilical cord में क्या ये चीज जो क्या में help करता है, it helps in the transport of substances to and from the embryo, है ना? Mother से embryo तक, उसके बाद embryo to mother जो पहुंचाने का जो काम करता है, वो किसका है? umbilical mother, umbilical cord का काम है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है आपको पूछ देगा या फिर एमसीक्यू में पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यू नो कनेक्ट्स द प्लासेंटा टू द एम्ब्रियो, तो आपको अम्बिलिकल कॉर्ड मिल गया तो आप उसको टिक कर देना। एंड जो प्लासेंटा जो होता है ना, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स, जैसे कि आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन्स एक्सेट्रा, ये सब जो है हॉर्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं आपका प्लासेंटा, इसीलिए इसको एक एंडोक्राइन टिश्यू भी माना जाता है, ठीक है, किसको?
प्लासेंटा को। तो ये सब, ये वाला आपका 5 मार्क्स के लिए आराम से यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन द लेटर फेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का लेटर फेस में मतलब बाद में जो आपका हार्मोन होता है जिसको हम लोग रिलैक्सिन बोलते हैं, वो भी सिक्रेट कर देते हैं बाय द ओवेरी, ठीक है। तो लेटर प्रेगनेंसी, लेटर फेस ऑफ प्रेगनेंसी में आपका जो ओवेरी है वो क्या हार्मोन भी रिलीज कर देते हैं, रिलैक्सिन, ठीक है। और ये जो हार्मोन है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, दिस आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ये तीनों जो हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपका लेवल ऑफ हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब भी मेटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं बोले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फिटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, सिंपल सा लाइन है। एंड इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो आपका इनर सेल मास है वो आपका डिफरेंशिएट कर जाता है इनटू एन आउटर लेयर जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहलाता है, और इनर लेयर में उसको हम लोग एंडोडर्म कहलाते हैं, ठीक है। और जो मेसोडर्म जो है वो इट सून अपीयर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स इन एडल्ट, ठीक है। और मतलब कौन सा टिश्यूज, ये तीनों टिश्यूज यानी कि आपका फर्स्ट क्या था, दिस वन एक्टोडर्म एंडोडर्म और ये दोनों का बीच में क्या है मेसोडर्म, यही तीनों जो है मिलके आपका क्या देता है, इट गिव राइज टू टिश्यूज और ऑर्गन्स इन एडल्ट, ठीक है। एंड इनर सेल मस्ट कंटेन सर्टेन सेल्स जिसको हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं, और यही जो स्टेम सेल्स के पास क्या पोटेंशियल होता है, दे हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। तो याद है आपको इनर सेल मस्ट ना ब्लास्टोसिस्ट में अंदर साइड वालों को इनर सेल मस बोला था और बाहर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोला था, तो यो इनर सेल मस जो है उसमें आपका स्टेम सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यही स्टेम सेल को आप बाद में उन लोग जो है यू नो लेबोरेटरी में काट के उधर से नया टिश्यूज, ठीक है, उसको टिश्यू कल्चर करते हैं, उसके बाद नया ऑर्गेन्स बनाते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स। तो आपको याद रखना है स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द इनर सेल मास, ठीक है। अभी देखिए ह्यूमन बींग्स में आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो आपका एम्ब्रियो का जो हर्थ होता है वो फॉर्म होने लगता है, ठीक है। प्रेगनेंसी का 1 मंथ बाद में एम्ब्रियो का हर्थ फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड जो फर्स्ट साइन होता है ऑफ ग्रोइंग फिटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो जो फिटस जो है आपका पेट में जो फिटस है वो ग्रो हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है, वो आपको विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप केयरफुली आपको साउंड हार्ट उसका हार्ट बीट को मतलब सुनाई देगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा चलो फिटस इज ग्रोइंग, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ये तो हो गया फर्स्ट मंथ का बात कर रहा था, अभी सेकेंड मंथ में आपका जो फिटस होता है वो उसका लिम्स एंड डिजिट्स ना लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मोस्ट ऑफ द जितना मेजर ऑर्गन्स होता है जैसे कि आपका लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ये सब का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फिटस का और उसका बाल का ये सब अपियरेंस होना हेड में ना, उन लोग जो है 5th मंथ में देखा जाते हैं बोलते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स जो आपका बॉडी होता है वो बाद में थोड़ा फाइन हेयर्स है ना, उसके बाद आईलिड्स वगैरह, ठीक है, फिर आईलैशेस वगैरह, ये सब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं बाय द 24 वीक्स। 24 वीक्स के बाद फिर क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स आपका जो प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ्स होता है उसमें आपका जो फिटस वो फुल्ली डेवलप होता है एंड इज रेडी टू डिलीवरी एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। इसीलिए तो बोलता है प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल जो मंथ होता है मतलब 9 मंथ्स अपने माँ के पेट के अंदर में रहता है बोल के ना, तो वही है। लेकिन ऐसा कुछ है मतलब कभी कभी बिफोर 9 मंथ्स कोई कोई 8 मंथ्स में भी मतलब जल्दी मैच्योर हो जाते हैं मतलब बच्चा जो फिटस जो ना उसके बाद बिफोर 9 मंथ्स ही डिलीवर कर जाते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, बट जो आपका नॉर्मल जो
प्रेगनेंसी का जो मंथ है डिलीवरी है वो आफ्टर 9 months होते हैं, ठीक है। अभी देखिए पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, ये जो नया टॉपिक है, आई थिंक दिस इज योर लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हम ये चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड विद दिस लेक्चर, एंड बार बार बता रहे आप जो है मेरा जो नोट्स है इसको आप रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। 100% यू कैन रिलाई इन टू माई नोट्स बता रहे, बिकॉज दिस इज प्योरली एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। पार्ट्यूरेशन क्या है? The average duration of human pregnancy is about 9 months, जिसको हम लोग gestation period बोलते हैं, ठीक है। मतलब gestation period मतलब वो बच्चे जो अभी तक पैदा नहीं हुए, ठीक है, वो अभी तक मतलब 9 months मतलब अभी तक अपना माँ के पेट के अंदर में है, ठीक है। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion, यानी delivery of the fetus, ठीक है। Uterus में मतलब बहुत सारा कॉन्ट्रेक्शन ये सब दिखता है, ठीक है। मतलब विगोरियस कॉन्ट्रेक्शन यूटेरस में होने का कारण आपका प्रेगनेंसी जो है एंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका बच्चा का डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। एंड यही जो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस, इसको हम लोग पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में पूछ देगा द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको पार्ट्यूरेशन दिख गया तो आप उसको टिक कर देना। और जो पार्ट्यूरेशन होता है इट इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब जो भी पार्ट्यूरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ फिटस जो है वो जो एकदम एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से मतलब फंक्शन होता है, मतलब जैसे उसका कहने का मतलब है कि लाइक यू नो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जहां में आपका हाइपोथैलेमस ना, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस ना, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करना ना, एंड देन रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है ना, जो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिहेवियर, ठीक है, ये सबको रेगुलेट करता है आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और जो सिग्नल होता है फॉर पार्ट्यूरेशन, ठीक है, it originates from fully developed fetus and a placenta which induce mild uterine contraction, jisko hum log fetal ejection reflex bolte. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Fetal ejection reflex kya hai? Matlab wahi hai jo fully developed jo fetus hai na and the placenta, theek hai, usko matlab abhi wo karna hai डिलीवर करने तो बच्चा को, तो वही है ये जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसी को हम लोग मतलब यूटेरस का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसी को फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। एंड जो यही जो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये जो आपका जो मैटरनिटी मदर का जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उधर से आपका ऑक्सीटोक्सिन रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। और यही जो ऑक्सीटोक्सिन जो हार्मोन है it acts on uterine muscles and causes stronger uterine contractions which in turn stimulates other secretion of oxytocin, ठीक है, सिंपल सा लाइन है। एंड द स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन दिस यूटरिन कॉन्ट्रेक्शन एंड ऑक्सीटोक्सिन सिक्रेशन कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, बहुत कॉन्ट्रेक्शन करना पड़ता है आपको चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनल, इसी को हम लोग पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। तो ये एक सुंदर सा टॉपिक है, आपको अगर पार्ट्यूरेशन किया है उसके ऊपर में इलस्ट्रेट करो बोलने से आप ये इसको सुंदर से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर्स खुश हो जाएगा ना, जो वो है। और जब हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स का बात करते हैं तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है टू प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। What is lactation? Lactation कहा क्या है? वो एक प्रोसेस है जहाँ पे मतलब at the end of pregnancy आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है फीमेल में ना। This helps the mother in feeding the newborn, ठीक है, उसके newborn के पास तो अभी तो teeth तो होगा नहीं खाने के लिए, चबा भी नहीं सकते है ना, तो उसको अभी लिक्विड फूड चाहिए होता है जो कि मदर से मिले, एंड दैट इज द मिल्क। और जब यू नो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर से तो जो पहला जो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन होता है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और ये जो कोलोस्ट्रम जो होता है इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, और यही जो एंटीबॉडीज
एसेंशियल रोल प्ले करता है टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर अ न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है, मतलब इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कराता है बोलते हैं मदर का जो फर्स्ट फ्यू डेज जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो है, ठीक है, इसीलिए जैसे बच्चा को अगर यू नो लाइक उसका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा सोचने से, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यू नो फीड द वेरी फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है. और जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, इट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग ऑफ ए हेल्दी बेबी. वही है जो इनिशियल पीरियड ऑफ जो इन्फेंट का जो ग्रोथ होता है ना, उसमें आपका मामा का अपना मामा का मतलब पहला मिल्क को यू नो प्रोवाइड करना है, बोलते डॉक्टर ने भी उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है, हेल्दी बेबी वो के लिए, ब्रोटअप के लिए, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक. And here we are finishing our topic, that is the third chapter of class 12 biology, human reproductive system. Okay. Human reproductive system, yeah, human reproduction. तो ऐसे के साथ मुझे इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो की वीडियो में next नया chapter and नए topic के साथ. Till then, keep watching, keep making notes, do revise your notes, ठीक है? Because this revision plays a very important role in your examination. ये याद में रखिएगा. Okay. तो चलिए, thank you so much for watching.